बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों को कक्षा 9वीं गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई है 2021-22 का, उसके प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन दिया है और पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बच्चों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और समझ समझ के देखना। तो जैसे बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, प्रश्न लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। तो इसका बच्चों सा वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बारी आती है दूसरा, रैखिक बहुपद की घात, तो इसका उत्तर होगा 1, बा वाला ऑप्शन। तीसरा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव क्या होता है, तो वो होता है बेटा एक अपरिमेय संख्या, मतलब सा वाला ऑप्शन। चौथे का उत्तर हो जाएगा दा वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल। और पांचवा है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 180 अंश। छठवा है शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 0 होती है। इसका उत्तर आप देखना चाहें तो मैं एक पेज में पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद करते हैं बात अगले प्रश्न की, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न है बहुपद x प्लस 4 का शून्यक है क्या होगा, तो देखें इसमें 4 का आप पक्षांतर कर दें, जब 4 का आप ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -4, तो इसका उत्तर होगा बच्चों -4। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो बच्चों ये कथन होता है, सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। अगला है जब तो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो कोणों का एक क्या बनता है, तो वो बनता है बेटा रेखीय युग्म। चौथा है 2 धन करणी 3 धन 3 ऋण करणी 3, इसको आपको वो बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कि इसको आपको हल करके बताना है इसका उत्तर कितना आएगा। तो बच्चों इसका हल करके देखो, आपको उत्तर निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रहा। ये क्या लिखा है 2 धन करणी 3 और ये धन है कितना 3 ऋण करणी 3, तो करणी 3 से करणी 3 कट गया, तो 2 और 3 क्या आया 5, जो क्या है 5 तो एक परिमेय संख्या है, तो उत्तर आएगा इसका क्या बच्चों परिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक क्या है, तो देखें सबसे बड़ी घात का ही है 2 की घात है, तो ये होगा क्या द्विघात बहुपद। फिर अगला है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय क्या होता है, शून्यक होता है। रैखिक बहुपद होगा तो उसका एक शून्यक जरूर मिलेगा, पहले वाले प्रश्न में देखो आप ये शून्यक मिला था ना, हाँ वही चीज़ है। फिर लास्ट वाला है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर जो संख्या मिलती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तो वो कहलाता है वास्तविक संख्याओं का संग्रह। इसके बाद बारी आती है हमारी सही जोड़ियों की, तो सही जोड़ियां मैंने आपके लिए सीधे एक पेज में, आप पहले तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देख लें, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद बारी आती है सही जोड़ी की, सही जोड़ी देखें आपके सामने मैंने पूरी पेज में हल कर दी है, ये लिखी हुई है, देखें ध्यान से आप लोग। पहला वाला था 0 धन 4 5 धन 0.28, इसका टोटल होगा तो ये आ जाएगा 0.73। दूसरे का उत्तर ये आ जाएगा, भाग देना है, तीसरे में आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 का 3.5 में गुणा होगा तो 14 आ जाएगा। फिर ये इसका उत्तर ये है, आप देख सकते पूरे उत्तर आपके सामने लिख दिए हैं हमने। फिर बारी आई थी बच्चों, अगला प्रश्न था एक शब्द में उत्तर, पहला प्रश्न क्या था 5 ऋण 2 करणी 3 धन 7 धन 2 करणी 3 का योग क्या होगा, तो देखें इसका योग ये मैंने करके दिखाया, आप देख लें। तो देखें बच्चों जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको देखो हल करना था, इसमें ये क्या लिखा था 5 ऋण 2 करणी 3 धन 7 धन 2 करणी 3, तो जब योग करना है तो हम क्या करेंगे इसका योग करिए, प्लस का निशान लगाए तो क्या होगा, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म्स कट जाएगा, तो कितना बचा 5 धन 7, और 5 और 7 कितना हो गया 12। अगला प्रश्न है पूरक कोण बताना था, 30 का पूरक कोण, तो बच्चे पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 होता है, 90 अंश होता है, तो ये बोल रहा है 30 का पूरक, तो 30 तो दे दिया, 90 के लिए क्या और जोड़ना पड़ेगा 60, तो उत्तर आएगा 60। तीसरा है 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या, तो आप लिख सकते बहुत सारी 0.1 0.2 1/2, मतलब बहुत सारी, तो हमने यहाँ 0.1 लिख दिया। अगला है बिंदु 2 3 के भुज का मान, तो बच्चों ये कहलाता है भुज और ये कहलाती है कोटि, भुज की बात करी तो 2 लिख दो, ये आ गया। अगला है अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना था, तो अपरिमेय संख्या क्या होती, वो करनी जिसको हम हल नहीं कर सकते, जैसे करनी 2 करनी 3 करनी 5 करनी 7, इस तरीके से ये उदाहरण हमने एक लिख दिए। अगला था एक्स प्लस 5 बराबर 7 रहा, तो इसको हल करना था, तो हमने क्या करे 5 का ट्रांसफर कर दिए, 5 का जब ट्रांसफर करे इस साइड आया तो 7 ऋण 5 हो गया, मतलब आ गया 2, तो x बराबर 2 आ गया। लास्ट वाला था बहुपद
इतने इतने की घात क्या होगी? तो देखें सबसे बड़ी घात क्या थी, तीन, तो इसकी घात होगी तीन। यहाँ पे बच्चों हमारे ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है छठवें प्रश्न से, तो छठवें प्रश्न का देख लें। छठवां प्रश्न क्या है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखें आप छठवें प्रश्न का उत्तर, ये है छठवां प्रश्न। ये आकृति बनी थी, एक दो तीन चार, चार खंड थे उसमें से तीन भरे थे। तो आप देखो टोटल के जितने खंड थे उसको यहाँ लिख दें और जितने भरे थे इसको यहाँ लिख दें, तो आ जाएगा तीन बटे चार। इसके अथवा में था इसको सरल करना था, तो देखें नीचे सब में सात लिखा था तो इसको एक बार लिख दिए, ऊपर वाली संख्या को निशान के साथ लिख दें, तो तीन ऋण पाँच धन चार, तो ये लिख दिए हमने तीन ऋण पाँच धन चार। अब देखो धन धन वाले जोड़ लें, ये धन का तीन, ये धन के चार, तो तीन और चार हो गए कितने, सात, सात में से पाँच गए, सात में से पाँच गए तो बचा दो, तो दो बटे सात आ गया। अब उसके बाद सातवां प्रश्न, अब देखिए बच्चे ये सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न को आप देख लें यहाँ पे, इसमें क्या करना था, इसको भाग देना था। तो हमने सात का देखें पचास में भाग दे दी, तो सात सतही उनचास, बचा कितना शेषफल एक, तो भागफल आ गया सात और शेषफल आ गया एक। इसके अथवा में देख लें आप, सरल करना था, चार बटे पाँच भागे तो आठ बटे दस। तो हम क्या करेंगे, जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, गुणा में बदल दिए हमने, तो जो आठ बटे दस था वो पलट गया, ये हो गया दस बटे आठ, दस बटे आठ के रूप में हो गया। अब देखो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो ऊपर दो नीचे दो बचा, दो से दो कट गए आ गया एक। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारे सात क्वेश्चन हो गए। आठवां प्रश्न देख लें आप, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में दो बटे तीन भाग को छायांकित कीजिए, लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, दो बटे तीन भाग को छायांकित करना है। तो देखें ये टोटल गिने कितने खंड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें हमें दो बटे तीन भाग को छायांकित करना है। अब चूंकि हैं छः खंड, तो ये जो तीन खंड हैं तीन को हम छः में बदल लें, तीन को छः में बदल लें तो ऊपर दो, देखो नीचे यहाँ दो का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी दो का गुणा कर दिए, तो इसमें चार खंड भर दो, ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। इसके बाद इसके अथवा में है, ये कह रहा था प्रश्न कि एक दर्जन केलों का मूल्य अगर साठ रुपए है तो चार किलो का मूल्य बताना है। आप देखें एक दर्जन बराबर क्या होता है बच्चों, बारह होता है, तो बारह किलो का मूल्य कितना हो गया, साठ रुपए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, बारह किलो का मूल्य साठ रुपए आ गया। अब ये कह रहे हैं तो एक दर्जन में होते हैं बारह, तो बारह किलो का मूल्य साठ रुपए, तो एक केले का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से बारह का पक्षांतर कर दिए तो साठ बटे बारह रुपए। हम चार किलो का मूल्य निकालेंगे तो साठ बटे बारह गुणे चार कर दिए, इसको हम काट दें। कैसे काट सकते हैं, बारह एकम बारह, बारह पंचे साठ, तो ये पाँच गुणे चार आएगा, पाँच का चार में गुणा कर दो तो आ गया बीस, तो बीस रुपये, चार किलो का मूल्य बीस रुपये। नौवां प्रश्न देख लें बच्चों, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, नौवां कह रहा है एक्स बराबर जीरो पर बहुपद इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो लिखा हुआ है क्या, दिया गया बहुपद है इतना इतना दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर दो, x बराबर जीरो पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ जीरो रख दो, ये रख दिया x की जगह जीरो, ये रख दिया x की जगह जीरो, बाकी तो पूरा लिखा है। पाँच शून्यम शून्य, यहाँ पे जीरो का वर्ग जीरो ही होगा, उसका जब चार में गुणा करेंगे तो वो भी जीरो आ गया और केवल बचा तीन, तो उत्तर में क्या आया, केवल तीन आ गया। नौवे का अथवा देख लें, ये कह रहे हैं जाँच कीजिए कि सात धन तीन एक्स बहुपद इतने इतने का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो इस सवाल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से देखो, यदि सात धन तीन एक्स बहुपद इतने इतने का गुणनखंड होगा तब क्या करेंगे हम, सात धन तीन एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे, रख दिए। अब हम यहाँ से सात का पक्षांतर करें तो इस साइड आके ऋण का हो गया, अब यहाँ से तीन का भी पक्षांतर करें तो ये तीन रहा बटे में आ गया, तो आ गया एक्स बराबर ऋण के सात बटे तीन। अब हम जो एक्स की वैल्यू ये जो आई है इसको हम इस बहुपद पर रख देंगे, रख दें तो इस यह मान बहुपद में रखने पर रख दें, तो देखो जहाँ जहाँ x था यहाँ पे ये x था और यहाँ पे ये x था, तो इनकी जगह पे हम सात ऋण सात बटे तीन रखेंगे, रख दिए ऋण सात बटे तीन की घात तीन धन ऋण सात बटे तीन। इसको हल करें तो देखो ऋण के ऊपर जब तीन की घात है तो उत्तर में ऋण ही आएगा, सात को तीन बार लिख दें, ये लिख दिए सात को तीन बार, और ये जो माइनस तीन था तीन रहा ये तो जो कहते हो, नीचे वाले तीन को भी तीन बार लिख दिए, ये लिख दिए तीन बार, सेम यहाँ पे ये ऋण के साथ का जब सात में गुणा होगा तो सात सती उनचास बटे तीन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको, सबसे पहले तो इस तीन से इस तीन को काट दिए, तो ऊपर क्या बचा सात गुणे सात गुणे सात, तो ये आ गया माइनस के 343 बटे तीन गुणे तीन मतलब नौ, माइनस ये 49 बटे तीन। अब इसको जब आप हल करोगे तो आ जाएगा ऋण के 490 बटे नौ, जो कि जीरो के बराबर नहीं है बच्चों। अगर ये गुणनखंड होता तो ये उत्तर यहाँ पे जीरो आता, जबकि यहाँ पे ये संख्या मिली है। अतः क्या लिख सकते हैं हम कि अतः सात धन तीन एक्स बहुपद इतने इतने का गुणनखंड नहीं होगा। बच्चों इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको नौ सवाल हल कर दिए। अब बात करते हैं हम अपने दसवें प्रश्न की, दसवां प्रश्न देख लें। दसवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठ करनी पंद्रह को दो करनी तीन से भाग दीजिए। तो कैसे भाग देंगे, ये देखिए लिखा हुआ है,
आठ करनी पंद्रह को दो करनी तीन से भाग दे रहे। तो देखो आठ को हम लिख सकते हैं दो गुणित चार, करनी पंद्रह को लिख सकते करनी पाँच गुणित करनी तीन। क्यों लिखे? क्योंकि हमें भाग देना सरल कर दिए। अब क्या होगा अगले स्टेप में बच्चों, करनी तीन से करनी तीन कट गया और दो से ये दो कट गया, तो बचा ऊपर चार करनी पाँच, तो ये हो गया हमारा उत्तर। इसके अथवे में था सरल कीजिए, तो सरल करने के लिए कैसा ये लिखा हुआ है, छः धन करनी पाँच दो धन कर दो करनी पाँच सॉरी छः करनी पाँच गुणित दो करनी पाँच। तो छः का होगा बच्चों दो में गुणा और करनी का करनी में गुणा, तो देखो छः गुणित दो ये लिख दिए और करनी पाँच का करनी पाँच में गुणा, तो पाँच गुणित पाँच छः दुनी बारह। और जब कभी भी दो करनी आपस में इंटू होती है तो क्या होता है, देखो इसको हल करके हम दिखा रहे हैं, ये क्या होता है देखिए, ये करनी पाँच गुणित करनी पाँच मतलब क्या हो जाएगा, करनी पाँच का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये करनी कट जाती, तो केवल ये पाँच बस बचा, तो यहाँ पे ये बारह गुणित पाँच बचा, तो बारह पंचे साठ। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न क्रमांक दसवें का उत्तर। ग्यारहवा प्रश्न देखें, प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण साठ और पैंतालीस हैं तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज का तीसरा कोण एक्स अंश है। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो देखो दो कोण थे क्या 60 अंश और 45 अंश, तीसरा हमने एक्स मान लिया, ये मान लिया एक्स, तो तीनों का टोटल कर दो, एक्स प्लस 60 प्लस 45 बराबर 180, 60 और 45 को जोड़े तो आ गया 105 बराबर 180, 105 का ट्रांसफर करें तो 180 में से 105 गए तो बचे 75, ये आ गया तीसरे कोण का मान, अतः तीसरे कोण का मान 75 अंश होगा। इसके बाद इसी ग्यारहवें का जो अथवा प्रश्न है उसको देख लेते हैं, अतः अथवा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। देखें इसका उत्तर, माना वे कोण अनुपात क्या था 1:2:3, तो उसको मान ले हम एक्स अनुपात 2x/3x, मान लिए कि वे कोण कितने इसके अनुपात में है। अब फिर से वही कथन, क्या हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योग कर दो, इसको तीनों को टोटल कर दो 180 के बराबर, टोटल करें 3 और 2 5 और 1 6, 6x बराबर 180। अब इसको काट दें हम, तो 6 से जब 180 कटा तो कितनी बार गया 3 × 6 = 18, 0 × 0 तो x बराबर आ गया 30 अंश। अब हमें वो कोण ज्ञात करने, तो पहला क्या था x रहा तो 30 अंश, दूसरा 2x था तो 2×30 मतलब कि 60 अंश, तीसरा था 3x मतलब 3×30 = 90 अंश। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 11वां प्रश्न भी फिनिश हुआ। 12वां प्रश्न को देख लेते हैं, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 2x + 1 = x-3 को हल कीजिए। इसको हल करें हम, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था 2x + 1 = x-3, तो हमने यहाँ से क्या करें, चर राशि को मतलब एक्स वाई जेड जो होती है उसको एक तरफ पक्षांतर कर दिया और जो अचर राशि मतलब गिनती को इस साइड लेके आ गए, ले आए। तो देखो यहाँ पे जो एक रहा इस साइड आया तो ऋण का एक हो गया, और ये जो एक्स था उस साइड गया तो माइनस का एक्स हो गया। अब 2x में से 1x गए तो बचा केवल 1x, ऋण 3 और ऋण 1 मतलब कि ऋण 4, तो x बराबर आ गया ऋण 4, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न 12वें का उत्तर। 12वें का अथवा रहा फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। देखें इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं हम आपको, ये दिया हुआ था, क्या दिया था, ये बोल रहे थे 95 °F को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो देखें ये होता है फॉर्मूला F = 9C/5 + 32, F = 9C/5 + 32। अब यहाँ फ़ारेनहाइट का मान कितना था 95, तो वो रख दो इसमें F की जगह, तो ये रख दिए हमने F की जगह पर 95 रख दिए बराबर 9C/5 + 32, 32 का सेट ट्रांसफर करें 95 में से 32 गया बचे 63 बराबर 9C/5, 5 का इस साइड पक्षांतर करें तो 63 के गुणा में लिख गया, ये लिख गया यहाँ था 9C। अब हम क्या करेंगे, 9 से 63 को काट देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, तो बचा 7×5 मतलब 7 × 5 = 35, तो ये आ गया सेल्सियस में कितना 35 डिग्री। तो ये 95 °F का मान कितने के बराबर होगा, 35 °C के। तो बच्चों यहाँ 12 प्रश्न हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे जो अगले प्रश्न हैं उनकी, हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसका दूसरा वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा बहुत जल्द। तो बच्चों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। गुड बाय।